आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक नई भर्ती के बारे में जिसका नाम है असिस्टेंट स्टोर कीपर या असिस्टेंट ग्रेड 3 की भर्ती है। ये भर्ती आपकी 12th पास के सभी छात्र छात्राओं के लिए है, यानी कि इस भर्ती के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे दूं। यदि आप 12th के बाद एक सरकारी नौकरी चाहते हो और एक ऑफिस की नौकरी चाहते हो, एक इस तरीके की नौकरी चाहते हो कि आप सुबह जाओ और शाम को घर आ जाओ, ठीक है, बहुत ही सुकून की नौकरी रहेगी, तो ऐसी नौकरी के लिए आप इसमें एलिजिबल हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। एलिजिबल होने के लिए आपको क्या क्या क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा वो इस वीडियो में जानते हैं। ये UP SSC के द्वारा ये भर्ती निकली है। इसका जो पद का नाम है असिस्टेंट स्टोर कीपर और AG यानी कि असिस्टेंट ग्रेड 3, ठीक है। इसमें पदों की संख्या रहेगी आपकी 200, जिसमें से ASK यानी कि असिस्टेंट स्टोर कीपर की जो भर्ती के पद हैं वो है 199 और एक पद जो है वो है असिस्टेंट ग्रेड 3 का। ओके, अब इसमें एज का क्या है सिस्टम, एज आपकी 18 से 40 वर्ष, एज 18 और 40 के बीच में हो तो कुल मिलाकर बस 18 होनी चाहिए मैक्सिमम तो आपको, और फिर उसके बाद में SC ST OBC वालों के लिए अलग से छूट है, ठीक है। आगे एलिजिबिलिटी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इस क्राइटेरिया को आप फुलफिल करोगे तभी इसको फॉर्म को भर पाओगे आप। इसके लिए क्या है, आपका 12th तो पास होने ही चाहिए, आप पहली चीज 12th पास होने चाहिए। उसके बाद आपकी हिंदी टाइपिंग 25 वर्ड प्रति मिनट के हिसाब से होनी चाहिए या इंग्लिश की टाइपिंग आपकी 30 वर्ड प्रति मिनट होनी चाहिए। साथ में इन दोनों क्राइटेरिया को भी आप फुलफिल कर रहे हो, 12th पास हो चलो भैया टाइपिंग की हम वो कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, लेकिन उसके बाद भी आपका क्या है पैट का एग्जाम आपका क्लियर होना चाहिए, यानी कि पैट में आपका स्कोर कार्ड आप पर होना चाहिए। ओके, तो ये यदि आपके पास में है तब आप इसको फॉर्म को भर सकते हो। भरने के बाद का क्या है सीन, भरने का है आपका 15/2/2024 के इसके फॉर्म अप्लाई हो जाएंगे, यानी कि आपकी ऑनलाइन होने स्टार्ट हो जाएंगे। आज आपकी कितनी तारीख है, आज आपकी 7 तारीख है, तो 7 के बाद में आपका यानी कि इसी महीने की 15 तारीख से इसके फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे और लास्ट डेट इसकी 6/3/2024 है, 6/3/2024 है। और इसके आगे की जानकारी, सिलेबस क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, तो इसके बारे में नोटिफिकेशन पढ़ के ही जो अब कुछ चेंजेस किए हैं इसमें, पहले इसकी भर्ती और सिरे से होती थी, ठीक है, पहले पेपर होता था, उसके बाद में आपका ये टाइपिंग टेस्ट होता था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर होता था, लेकिन अब की बार क्या थोड़ा सा चेंजेस हुए तो अब उसमें देखना पड़ेगा। नोटिफिकेशन अभी इसका डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि UP SSC NIC.in पर हम गए, वहां पर जाकर डाउनलोड करने का कोशिश किया, प्रयास किया, लेकिन वहां पर डाउनलोड नहीं हो पाया है। तो इसका जो सिलेबस सिलेक्शन प्रोसीजर जो क्या रहेगा, ठीक है, तो उसके बारे में मैं अलग से आपको बता दूंगा। यदि आप इस तरीके से आप इन चीजों को फुलफिल करते हो तो आपके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहेगी और इस फॉर्म को भर दीजिएगा। यदि आपके पास पैट का नहीं है तो अब की बार पैट का एग्जाम दीजिएगा, उसके बाद में आप UP SSC के लिए मोस्टली पैट का एग्जाम क्लियर होना चाहिए, तो आप पैट का एग्जाम जरूर क्लियर कर लीजिए ताकि वो आपको भविष्य में सरकारी नौकरी दिलाने में आपके लिए सहायक रहे, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सरकारी नौकरी की जॉब अलर्ट से संबंधित सारी जानकारी अब मैं इस चैनल पर दिया कर